हूं आपके साथ नम्रता। राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 80 दिनों से किसान भले ही आंदोलन कर रहे हों, लेकिन मोदी सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के अंदर विरोध की आग भड़काने वाली कांग्रेस ही है। खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहले पंजाब और फिर हरियाणा में ट्रैक्टर रैली निकालकर कृषि कानूनों का विरोध जताया था, तो इसी तर्ज पर राजधानी में 26 जनवरी को भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला था, जिसकी आड़ में कथित किसानों ने जमकर हिंसा और अराजकता फैलाई थी, साथ ही लाल किले का अपमान भी किया था। ये बात कांग्रेस भी अच्छी तरह से जानती है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी सरकार पर आसानी से हमला बोला जा सकता है। यही वजह है कि किसानों के इस आंदोलन को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस हर हद को पार कर जाने पर तुली हुई है। शायद यही वजह है कि अब उसने तय किया है कि दिल्ली बॉर्डर पर कम होती भीड़ को बढ़ाने के लिए किसानों को शराब और पैसा बांटा जाए। कांग्रेस की महिला नेता विद्या रानी तो फिलहाल यही कह रही है, वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं, सारी तरह से। मैं कहती हूँ जिस तरह से जिसका जो भी सहयोग बनता है करें और इस आंदोलन को बढ़ाएं। यह आंदोलन केवल एक किसान का नहीं है, ये हमारा सबका है और इसका फर्क हम सब पर पड़ेगा। ये जो कांग्रेस की महिला नेता खुलेआम किसानों को शराब बांटने की सलाह दे रही हैं, ये हरियाणा की महिला नेता विद्या रानी हैं। उसी हरियाणा की जहां पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से हार गई थी और बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आई थी। चुनाव में मिली इस हार के बाद खुद को खड़ा करने के लिए कांग्रेस किस हद तक जा सकती है, या आप कांग्रेस की इस महिला नेता के बयानों से समझ सकते हैं। और ये बात भी समझ सकते हैं कि देश का पेट भरने वाले किसानों का पेट शराब से भरकर किस तरह से उनके आंदोलन का सियासी फायदा उठाना चाहती है। कांग्रेस की पोल खोलती उसकी अपनी ही महिला नेता विद्या रानी की ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। में डिस्ट्रिक्ट जींद में पदयात्रा, बाद में जैसे जैसे सारे गांव कंट्रोल हो जाएंगे, सभी गांवों का सर्वे हो जाएगा, हम प्रचार कर चुके होंगे, उसके बाद एक मत से हम डिस्ट्रिक्ट जींद में पदयात्रा करेंगे और वो पदयात्रा एक विशाल समूह के रूप में उभरेगी और हमारी कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी, नया बल मिलेगा और हमारी पार्टी एक नए तरीके से जन्म लेगी। क्योंकि देखो इस बार जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म ही हो चुका था, लेकिन ये आंदोलन हमें जो मिला है ना, ये 26 तारीख को खत्म हो चुका था, लेकिन किसी ना किसी तरह, क्योंकि किसान के इरादे मजबूत थे, ये दोबारा से खड़ा हुआ और इतनी मजबूती से खड़ा हुआ कि इसको हमने चलाना है। किसानों ने तो अपनी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी, हर जगह उन्होंने खाने का पीने का हर तरह से जितना उनके बल था वो काम किया। हम तो ये मैं तो यही कहूँगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं, सारी तरह से मैं कहती हूँ जिस तरह से जिसका जो भी सहयोग बनता है करें और इस आंदोलन को बढ़ाएं। ये आंदोलन केवल एक किसान का नहीं है, ये हमारा सबका है और इसका फर्क हम सब पर पड़ेगा। हरियाणा की महिला नेता विद्या रानी का ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, मानो बीजेपी को इस भाषण के बहाने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोलने का मौका मिल गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ये वीडियो ट्वीट कर कहा, जो मान चुके हैं कि उनका अस्तित्व खतरे में है, जो जान चुके हैं कि अब सिर्फ झूठ का ही उन्हें सहारा है, वो आस शराब पर लगाए बैठे हैं। ये है कांग्रेस पार्टी का घिनौना सच, शराब बांटो और लोगों को बरगलाओ, तथ्यों को छुपाओ, देश में झूठ फैलाओ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी ट्वीट कर कहा, और कितना गिरोगी कांग्रेस? कांग्रेस नेता विद्या रानी किसान आंदोलनकारियों तक शराब पहुंचाने की बात कर रही हैं। महात्मा गांधी जी को आदर्श मानने वाली कांग्रेस के लिए ये नैतिक पतन की पराकाष्ठा है। आंदोलन को कहां से ऑक्सीजन मिल रहा है, ये अब किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस की महिला नेता विद्या रानी के शराब वाले बयान के बाद बीजेपी जहां हमलावर है, तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलनकारी किसानों को शराब बांटने के बयान पर कहा, यहां शराब का क्या काम, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसे बयान क्यों दिए, ऐसे लोगों को आंदोलन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अपने आंदोलन में जो चाहें बांट सकते हैं।
एक तरफ कांग्रेस की महिला नेता विद्या रानी दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को जिंदा रखने के लिए शराब बांटने की बात कर रही है, तो वहीं कुछ ही दिन पहले ये बात भी सामने आई थी कि कांग्रेस शासित पंजाब से किसानों को जबरन दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के लिए भेजा जा रहा है। फरमान जारी कर कहा गया है कि हर घर से एक आदमी दिल्ली जाएगा, जो नहीं जा रहे थे उन्हें जुर्माना और सामाजिक बहिष्कार तक की धमकी दी जा रही थी। ये धमकियां और ये शराब बांटने की बात बता रही है कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर किसानों के आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहती है। किसान भले ही कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के लिए आंदोलन कर रहे हों, लेकिन 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद से ही किसान आंदोलन के समर्थन की आड़ में कौन कौन सी पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, अब ये किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस का शराब कांड तो आपने देख ही लिया, अब आम आदमी पार्टी ने भी यूपी में 28 फरवरी को किसानों की महापंचायत करने का ऐलान किया है। उसने किसान महापंचायत के लिए दिल्ली, हरियाणा या पंजाब को चुनने के बजाय यूपी को चुना, क्योंकि यहां अगले ही साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। किसान आंदोलन के नाम पर ये जो सियासत हो रही है, बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। डिस्ट्रिक्ट जींद में पद यात्रा बाद में जैसे जैसे सारे गांव कंट्रोल हो जाएंगे, सभी गांवों का सर्वे हो जाएगा, हम प्रचार कर चुके होंगे, उसके बाद एक मत से हम डिस्ट्रिक्ट जींद में पद यात्रा करेंगे और वो पद यात्रा एक विशाल समूह के रूप में उभरेगी और हमारी कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी, नया बल मिलेगा और हमारी पार्टी एक नए तरीके से जन्म लेगी। क्योंकि देखो, इस बार जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म ही हो चुका था, लेकिन ये आंदोलन हमें जो मिला है ना, ये 26 तारीख को खत्म हो चुका था, लेकिन किसी ना किसी तरह, क्योंकि किसान के इरादे मजबूत थे, ये दोबारा से खड़ा हुआ और इतनी मजबूती से खड़ा हुआ कि इसको हमने चलाना है। किसानों ने तो अपनी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी, हर जगह उन्होंने खाने का पीने का हर तरह से जितना उनके बल था वो काम किया। हम तो ये, मैं तो यही कहूँगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं, सारी तरह से मैं कहती हूँ जिस तरह से जिसका जो भी सहयोग बनता है करें और इस आंदोलन को बढ़ाएं। ये आंदोलन केवल एक किसान का नहीं है, ये हमारा सबका है और इसका फर्क हम सब पर पड़ेगा। हमारा आंदोलन में दारू बांटी जाए, क्यों दारू का क्या हो यहाँ? उन्होंने, उनकी वीडियो वायरल हो रही है, उसमें खुद उन्होंने मंच से पब्लिक, बड़ी पब्लिक में कहा है कि किसानों के आंदोलन में हर चीज उनको दी जाए, खाने दारू सब कुछ दी जाए उनको। यहाँ तो नहीं कोई दारू की, इस तरह का कोई प्रोग्राम है? हम तो इसके बहुत खिलाफ है दारू के। तो जिस तरह के बयानबाजी वो कर रही है, तो उससे क्या पता भाई क्यों कर रही है बयानबाजी? उनका क्या मतलब आंदोलन से? उनका क्या मतलब आंदोलन? तो फिर इस तरह के बयानबाजी क्यों कर रहे हैं किसानों के आंदोलन को समर्थन? और कोई क्या कह रहा है, हम क्या कर रहे हैं भाई?